नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने घर का नक्शा कैसे बना सकते हो, लेकिन अभी इस वीडियो में जो आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें बताऊंगा आपको कि आप अपने घर के किसी कमरे को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। अभी घर के लिए अगर आपको देखना है तो उसके मैं वीडियो की लिंक जो कि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो मेरी वो वीडियो देख लेना जिसमें मैं पूरे घर का बताता हूँ। यहाँ पर उसमें मैंने घर का बताया, लेकिन यहाँ पर अब मैं कमरे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बताऊँगा किचन वगैरह के और कमर जो कमरे होते हैं उसे कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए कुछ मैंने यहाँ पे दो अपने जो कि प्रोजेक्ट बना के रखे हुए और अभी नए सिरे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऐड किचन जो लिखा है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी वैसे नाम तो किचन का, लेकिन हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे तो वो किचन नहीं रहेगा, वो हमारे लिए फिर रूम बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको नक्शा सिलेक्ट करना है कि किस तरीके के पास आपके पास जगह छूटती है। अगर आपके पास इसमें से कोई नक्शा नहीं मैच हो रहा तो आपको ये चार कोने वाला सिलेक्ट करना है और उसके बाद इससे आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसकी जो दीवार साइड है वो सब अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी मान लीजिए जैसे कि अभी मैं इसको इस तरीके से एडिट कर रहा हूँ। उसके बाद जो इसका गेट है, इसका गेट आप इधर उधर कहीं पर भी ला के लगा सकते हो, जैसे जहाँ आपकी जगह हो जहाँ पर आपका गेट छूट रहा हो। और उसके बाद आप यहाँ पर साइज लिख लेना कि आपका कितने बाय कितने का है, मतलब कि कमरा बनाओगे, ओके। और अभी मान लीजिए जैसे कि ये हमारा एक तरीके का अगर घर का होता तो हम घर के लिए पूरा अपने घर का साइज लेंगे इसके अंदर, और फिर इसके बीच में जो कि अपने वॉल तैयार करेंगे, एक दीवार तैयार करेंगे, तो वो हम कमरे इसमें बांट लेंगे। तो अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ड्रॉ वॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है। ड्रॉ वॉल के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद ऐड के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वॉल सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप वॉल सिलेक्ट करोगे किस तरीके की वॉल चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो अभी जैसे कि मुझे ये वाली वॉल चाहिए इस तरीके की, फिर ऐड टू रूम कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि अभी मान लीजिए वॉल मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। तो अभी ये मान लीजिए कि मेरे घर का नक्शा, मतलब जो मेरा पूरा घर बन रहा है उसका यहाँ पे नीचे जमीन जो पूरी है वो घर की जमीन है, लेकिन यहाँ पर अभी हम कमरे तैयार करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा घर का नक्शा आप इसी में तैयार कर सकते हो। तो यहां पर अभी मान लीजिए कि मैंने वॉल यहां पे तैयार कर दी है कि ये लगा दी, और उसके बाद अब मुझे और कमरे अगर बनाने तो फिर से मैं यही वाली वॉल सिलेक्ट करता हूँ, ऐड टू रूम, और फिर इसमें जो कि कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मान लीजिए इसे दो कमरे यहाँ पर बना देता हूँ मैं इस तरीके से, और फिर से ऐड वॉल कर लेता हूँ मैं, एक और वॉल ले लेता हूँ यहाँ से ऐड वॉल, और उसके बाद यहाँ पर इसे ला देता हूँ, और इसके बाद एक यहाँ पर इस तरीके से मैं ऐड कर लेता हूँ। इसको पहले मैं घर इसको जो है कि इस तरफ लाता हूँ गेट को, और इसका जो वॉल है वो मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ कमरे से, ठीक है। और इस वॉल को थोड़ा मैं इस तरफ और ले आता हूँ। तो अभी जैसे कि मैं इसको इधर सेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ये दीवार है इसके लिए हमें कुछ जगह छोड़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने इसे इस तरीके से कर दिया और इसे मैंने आगे पूरा इसमें से भिड़ा दिया इस दीवार को। अभी मान लीजिए जैसे कि मैंने जोड़ दिया और उसके बाद अभी थोड़ा आगे ज़्यादा आ गया, तो अभी मैं इसे पूरा एकदम सेट कर देता हूँ। अभी वैसे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ। और उसके बाद अभी जैसे कि ये मेरी दीवार हो गई एक, और अभी ये जो मेरा गेट है यहाँ पर एक है, अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसे उठा करके इस तरफ ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर अंदर लाऊँगा, फिर ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कुछ और चीज़ चाहिए तो आप ले सकते हो। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर डोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे अब दरवाज़ा चाहिए, तो यहाँ पर ऐड, उसके बाद यहाँ पर ऐड टू रूम, और अभी जो है कि मैं एक यहाँ पर रखूँगा, मतलब यहाँ पर एक मेन गेट मेरा ये रहेगा, फिर अंदर आना होगा, ये बारंदा हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक रूम रहेगा, ये हमारा ये वाला एक रूम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक गेट हो गया। अब इन दोनों रूमों में गेट हमें लगानी, तो फिर से मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर जो डोर है वो ऐड कर लूँगा, फिर उसको जाकर के एक को यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। यहां पर एक डोर हो जाएगी और एक कमरे की यहां पे डोर लगा दूंगा। तो इस तरीके से यहां पर आप पूरी तरीके से आप एक घर का नक्शा तैयार कर सकते हो। यहां पर वैसे नाम तो किचन दे रखा है सबका, लेकिन यहां पर आप पूरा अपना घर का नक्शा तैयार कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आप जो भी चीजें अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी करनी है या फिर जो भी करना है वो सब चीजें आप यहां पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी मान लीजिए जैसे कि ये इस तरीके से मैंने बना दिया, और उसके बाद यहाँ पर ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ से बैक आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे प्लांट वगैरह मुझे अगर ऐड करने हैं तो यहाँ पर प्लांट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ऐड टू रूम, और इसे मैं एक प्लांट जो कि अपना है कि यहाँ पर इस कोने पर रख देता हूँ। मान लीजिए अगर जैसे कोई आगे से आएगा तो एक यहाँ पर उसे दिखेगा, और फिर से ऐड कर लेता हूँ, एक और प्लांट ले लेता हूँ। यहाँ पर दो प्लांट मुझे और लेने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पर, एक तो मैं इधर रखूँगा इस गेट खोलने के साइड में एक रहेगा, और एक दूसरी साइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये वाला ये यहाँ पर आ गया। तो अभी ये जो कि एक यहाँ पर हो जाएगा, अभी एक यहाँ पर हमें हमारा प्लांट है, एक यहाँ पे प्लांट है, और एक सामने आ जाएगा। और यहाँ पर अगर रखता मैं एक बीच में और एक प्लांट रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गेट आएगी, फिर मैं यहाँ पे अगर अंदर रखना चाहूँ प्लांट तो यहाँ रख सकता हूँ। तो इस तरीके से एक मैंने ये नक्शा बनाया। उसके बाद अब मैं 3D में इसे व्यू करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 3D में इसे जैसे व्यू करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो कि घर बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दो कमरे ये हो जाएंगे, और हमारा जो बारंदा था वो अभी इस तरफ हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ये रहा इस तरीके से, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर आप इसे पूरा 3D में व्यू कर सकते हो, उसके बाद 360 डिग्री में देख सकते हो, उसके बाद आप जैसे इसके अंदर घुस के आप आराम से देख सकते हो जाके, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि इस वीडियो में जो मेरा समझाने का मकसद था वो यही था कि आप अपने घर का जो कि नक्शा कैसे बना सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।